खबर शामिल करते हैं सीनियर रिपोर्टर ग्रेट न्यूज नादर हुसैन कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक कैपको कोट अद्दू पावर कंपनी कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ में सीबीए के तायुन के लिए रेफरेंडम मुनाकिद हुआ, जिसमें पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन से मुलहका अल तकबीर एम्प्लॉयज यूनियन तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब होकर सीबीए करार पाई। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन जनूबी पंजाब के सदर मलक मोहम्मद मुख्तार अवान ने रेफरेंडम की जीत पर कैपको के मजदूरों से खिताब में मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कैपको के मजदूर बाशाऊर हैं और इसलिए अपनी क्यादत का इंतखाब मेरिट पर किया है। आपकी यूनियन के चेयरमैन हामिद हसन, सदर राणा मोहम्मद सलीम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ चिश्ती आपके वोट के सही हकदार थे, क्योंकि ये तीनों बहुत मेहनती और खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और आपके हकूक की जंग हर प्लेट पर बड़ी जरूरत से लड़ते हैं। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि आपके स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट के लिए मिनिस्टर लेबर, सेक्रेटरी लेबर और सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से बार बार मिलकर हल करवाने की कोशिश करते हैं।